हम सवाल करते हैं कि हम अपने विद्यालय घर तथा अपने परिवेश को स्वच्छ रखेंगे भारत माता की। लेकिन पूज्य बापू का, क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। गो ग्रीन कैंपेन के तहत हम लोग क्लीन हल्द्वानी ड्राइव में लगे हैं। इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम अपने शहर के जो बेसिकली जो मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनको हम पकड़ करके यहाँ पर उन परिसर को साफ करें और उसमें जो है ये संदेश हम वहाँ के लोगों को, स्थानीय निवासियों को, बच्चों को दें ताकि हमारा परिसर, हमारा माहौल स्वच्छ हो, समृद्ध हो, सुखी हो। लेट अस कनेक्ट। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देख रहा है वो इस मुहिम से जुड़े और इस के द्वारा जुड़ के इस जो हमारी क्लीन हल्द्वानी ड्राइव है इसको और सक्सेसफुल बना। आज हम जो है हल्द्वानी के पिछला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आए हैं। पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं शनिवार इतवार को, और देख रहे हैं काफ़ी कुछ हद तक कूड़ा करकट, कांच की बोतलें, शराब की पौवे की बोतलें और प्लास्टिक, और देखिए बड़ा दुर्भाग्य के मतलब इस तरह मेडिकल कॉलेज में जो है जनादेश, जहाँ से बच्चा डॉक्टर बन के जाता है, MBBS में जाता है, और वहाँ ये हाल है। और लंबी लंबी झाड़ियाँ देखो, हमारे तो कई ट्रकों के साथ कूड़ा निकाल दिया गया, मतलब हमारा तो काम सफाई करना है और जिस सफाई का इस जनादेश को लोग जन जन तक पहुँचाएं। और गो क्लीन, गो ग्रीन, लेट्स मेक इट हैपन, क्लीन हल्द्वानी ड्राइव। हमारे साथ हैं स्वजल परियोजना के पूर्व प्रशिक्षक डॉक्टर दिनेश महतोला जी, आइए हम उनसे जानते हैं उनके विचार। मेरे विचार से स्वच्छता एक सोच का विषय है, इसमें जुड़ने के लिए हमें बगैर किसी के निर्देश का, किसी का इंतजार किए बगैर हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए।